नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसका यूज कैसे होता है। तो ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम एकदम आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सीखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर आपके कोई भी डाउट रहता है तो उसको मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई दे सकूं। तो प्लीज़ अगर आपके कोई डाउट रहे तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय का यूज हमेशा समकोण त्रिभुज के अंदर होता है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कम से कम एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण समकोण हो, उसे बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज, यानी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ये एक त्रिभुज ले रखा है मैंने, जिसका नाम है ए बी सी, जहाँ पर बी कोण मैंने 90 डिग्री का ले रखा है। इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर बी कोण समकोण है यानी 90 डिग्री का है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। और दोस्तों, समकोण त्रिभुज के जो सामने वाली भुजा होती है उसे बोला जाता है हमेशा कर्ण। समकोण जो कोण होता है हमारा, समकोण होता है यानी 90 डिग्री वाला कोण होता है, उसके सामने वाली भुजा को हमें समकर्ण बोलते हैं। और यहाँ पर जिस भुजा के ऊपर दो कोण बनते हैं, यानी एक तो समकोण बनता है, एक अन्य कोण होता है। यहाँ पर मान लिया कि ये कोण यहाँ पर सी के ऊपर बना है, वैसे तो यहाँ पर भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोण मान लिया सी के ऊपर है, तो यहाँ पर इस रेखा के ऊपर दो कोण है। तो जिस रेखा के ऊपर दो कोण बनते हैं, एक तो समकोण बनता है, एक दूसरा कोण बनता है, उसे बोलते हैं हम आधार, और जो शेष बच जाती है उसे बोलते हैं लंब। अगर यहाँ पर कोण हम ये मान लेते तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाता आधार और ये हो जाता लंब। तो एक बार आपको इस पर ध्यान नहीं देना, आपको बस इतना देखना है कि मान लेते हैं कि ये कोण इस पर बना है, तो यहाँ पर ये आधार हो गया और जो शेष बच जाती है वो हो जाती है लंब। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण होता है, आधार होता है, लंब होता है। कर्ण तो होता है हमारा समकोण के सामने वाला भुजा, कर्ण होती है, और जिस भुजा के ऊपर दो कोण होते हैं उसे बोलते हैं आधार, और जो शेष बच जाती है उसे बोलते हैं लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है घात में दो। कर्ण स्क्वायर बराबर होती है आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है, वो सब मैंने आपको बता दिया। समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और जिस भुजा के ऊपर दो कोण होते हैं उसे आधार बोलते हैं, और शेष भुजा को लंब बोलते हैं। ये होते हैं हमारा कर्ण, आधार, लंब समकोण त्रिभुज के अंदर। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं, कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्स, तो इसे दर्शाते हैं हम एच से, और आधार को बोलते हैं इंग्लिश में बेस, तो इसे दर्शाते हैं बी से, या स्मॉल बी से लिख सकते हैं, इसे स्मॉल एच से लिख सकते हैं। और बच गया हमारा लंब, परपेंडिकुलर, तो लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो इसे दर्शा देते हैं पी से। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्स, तो इसे एच से लिखेंगे। आधार को बोलते हैं बेस, तो इसे बी से लिखेंगे। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो इसे पी से लिखेंगे। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण तो हो गया हमारा एच हाइपोटेन्स, तो एच स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब होता है पी, परपेंडिकुलर, तो पी का स्क्वायर। तो इस प्रकार शॉर्ट में इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। तो ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अब इस पर आधारित हम एक दो सवाल करके देख लेते हैं। तो जैसे सवाल हमारा ये है कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर अगर आधार का मान दिया गया है, आधार, आधार की लंबाई दी गई है 3 सेमी, और लंब की लंबाई दी गई है 5 सेमी, तो हमें पूछ लिया जाए कि कर्ण का मान बताओ, कर्ण का मान बताओ। तो हमें आंसर में क्या लिखना है, हमें आंसर में लिखना है कि चूंकि हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर का मान ज्ञात करना है हमें, आधार का मान कितना है 3 सेमी, तो 3 का स्क्वायर प्लस
लंब का मान है 5 सेमी, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वेयर। तो करंट स्क्वेयर बराबर हो जाएगा, 3 का स्क्वेयर होता है 9। स्क्वेयर का मतलब, 3 का स्क्वेयर का मतलब है 3 गुणा 3, यानी 3 का 2 बार गुणा। तो ये हो जाएगा 3 9 प्लस 5 का स्क्वेयर का मतलब है 5 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 5 5 25। तो 25 और 9 ये हो जाएगा हमारे पास 34। तो ये तो मान आया हमारे पास कर्ण स्क्वेयर का, कर्ण स्क्वेयर बराबर आ गया 34। हमें तो सिर्फ कर्ण का मान चाहिए, तो यहां पर स्क्वेयर हटाएंगे तो बराबर में क्या लग जाएगा, जब यहां पर स्क्वेयर हटाएंगे तो बराबर में रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा √34। तो कर्ण का मान आ गया √34 सेमी। तो इस प्रकार कर्ण का मान आ गया √34 सेमी। अभी एक सवाल और लेकर देखते हैं। अब जैसे मैंने एक यहाँ पर एक अन्य उदाहरण और लिया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर कर्ण का मान है 5 सेमी, आधार का मान है 3 सेमी, लंब, और हमें लंब का मान ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है लंब कितने सेमी है। तो हम जानते हैं कि कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं एच से, हाइपोटेंस। तो एच से दर्शाते हैं आधार को, दर्शाते हैं बेस यानी बी से, लंब को दर्शाते हैं परपेंडिकुलर यानी पी से। तो इनको मैंने इस प्रकार एच बी और पी के रूप में लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या बन गई, एच स्क्वेयर बराबर बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, यानी कर्ण स्क्वेयर बराबर आधार स्क्वेयर प्लस लंब स्क्वेयर। ये मैंने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लिख दी। अब हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए पी का मान। तो सबसे पहले तो इन सभी के मान रख देते हैं। एच यानी कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 5 सेमी। तो 5 का स्क्वेयर बराबर बी यानी आधार, आधार का मान है 3 3 स्क्वेयर प्लस पी का मान दिया नहीं हमें ज्ञात करना है, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें पी का मान चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 3 स्क्वेयर है ये बराबर से इस साइड है, तो इसको बराबर से इस साइड लेकर आएंगे। तो कोई भी प्लस वाली संख्या बराबर से दूसरी साइड आती है तो वो माइनस की हो जाती है। तो 5 स्क्वेयर तो ऐसा कैसा लिख देंगे, बराबर के अंदर 3 का स्क्वेयर है ये प्लस का है, बराबर से इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 स्क्वेयर, और बराबर में बच गया पी का स्क्वेयर। 5 का स्क्वेयर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वेयर होता है 9 बराबर पी का स्क्वेयर। अब यहाँ पर 25 में से 9 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 16 बराबर पी का स्क्वेयर। 16 बराबर आ गया पी का स्क्वेयर। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पी का स्क्वेयर बराबर 16। अब हमें तो सिर्फ पी का मान चाहिए, तो यहाँ पर स्क्वेयर हटा देंगे। जब हम यहाँ पर स्क्वेयर हटाएंगे तो बराबर में क्या लगेगा, बराबर में रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर 16 के ऊपर रूट लग जाएगा, √16। अब यहाँ पर √16 का मान होता है 4, क्योंकि √16 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 4, और रूट के अंदर जब गुणा के अंदर कोई दो संख्या आ जाए एक जैसी तो एक संख्या बाहर ले ली जाती है, तो इसका मान ये आ जाता है 4। तो इस प्रकार यहाँ पर रूट हम हल कर लेंगे, तो √16 का मान आ गया 4। √16 का मतलब है 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल होता है 4, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर पी यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब का मान आ गया 4 सेमी, और यही हमें सवाल के अंदर पूछा था कि लंब का मान बताओ। तो इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा एकदम आसान तरीके से पाइथागोरस प्रमेय कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कैसे यूज ली जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।